अरे दूसरे भगवान, मोटा पैसा खर्च करने पर भी नहीं बची मरीज की जान। महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और एयर एम्बुलेंस प्रबंधन पर मढ़े संगीन आरोप। मृतका के परिजनों का आरोप कि लापरवाही के चलते गई महिला की जान। अब स्वास्थ्य मंत्री ने किया है जांच का ऐलान। एक खास रिपोर्ट देखिए। मेरी मम्मी 10 दिन से यहाँ एडमिट है, 10 लाख रुपए लोग ले चुके हैं। उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि आपकी मम्मी का इलाज यहाँ भी होगा, हैदराबाद नहीं था। लोग मार रहे हैं। ओम खेमानी ने बताया कि उनकी माँ भारती देवी को इलाज के लिए 2 सितंबर को नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उन्हें अस्पताल ने हैदराबाद के लिए रेफर कर दिया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें अस्पताल में मौजूद रेड एयर एम्बुलेंस के कार्यालय से संपर्क कर एयर एम्बुलेंस से ले जाने का सुझाव दिया। इसके बाद एयर एम्बुलेंस के लिए रायपुर एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने के बाद मशीन में खराबी के कारण ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही, जिससे मरीज की स्थिति बिगड़ने लगी। इसके बाद पायलट ने अन्य कर्मचारियों से कुछ बात की और 17 से 15 मिनट के भीतर हैदराबाद में लैंड करने वाले एयर एम्बुलेंस को रायपुर में वापस उतार दिया। इसके बाद जब उन्हें वापस अस्पताल लेकर जा रहे थे, तब रास्ते में उनकी मौत हो गई। फ्लाइट टेक ऑफ करना चालू कर दिया और उन्होंने ऑक्सीजन मास्क वास्क भी नहीं लगाया, तो जैसे ही फ्लाइट उड़ाना चालू किया, मैं बोला जल्दी मास्क लगाओ, मेरी मम्मी को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। जब तक वो बोले लगा रहे हैं, 10-15 मिनट टाइम पास किए, उनकी मशीन काम नहीं कर रही थी ऑक्सीजन वाली, मैं बोला भैया जल्दी करो, उनको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। 15 मिनट बाद उनको समझ में आ गया कि मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई है, तो वो पायलट से बात किए और बोले फ्लाइट को वापस रायपुर में ही लैंड कराया जाए। 15 मिनट बाद टेक ऑफ होने के बाद फ्लाइट वापस, जो हैदराबाद जाना था मम्मी को लेके, हम रायपुर ही वापस लेके आ गए उनको। हॉस्पिटल में आए तो पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। सर उसमें MMI की भी बहुत बड़ी गलती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप एक क्रिटिकल पेशेंट को हैदराबाद शिफ्ट कर रहे हैं तो आप कम से कम एम्बुलेंस में चेक कीजिए उनकी मशीनें प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं, और जो एयर एम्बुलेंस थी, जो फ्लाइट थी उनकी, उस पर भी ऑक्सीजन वगैरह सब ओके है कि नहीं, और एक रेड एम्बुलेंस और एक MMI। सर इनकी बहुत बड़ी गलती है, इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है सर, इनकी मिस्टेक के कारण मैं अपनी माता जी को खो चुका हूँ। पीड़ित परिवार ने इलाज के नाम पर लूट और लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और रेड एयर एम्बुलेंस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने बताया कि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए उन्होंने मरीज की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस के लिए 6,11,000 रुपए और अस्पताल में इलाज के लिए 80,000 रुपए का भुगतान किया था, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। जी ये जो भी आरोप लगाए हैं, इसकी जांच की हमने भी पेशकश करी है, और अगर आपको पूरी घटना बताऊं तो पेशेंट यहां से डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस के थ्रू यहां से कल 3:30 बजे निकला और एयरक्राफ्ट में उनकी देहांत हुई, तो ये जांच का विषय है। और जब हमने एक जीवित पेशेंट को यहां से भेजा था और हमें एक मृत पेशेंट प्राप्त हुआ, तो इसलिए हमने तुरंत टिकरापारा थाना में MLC रिपोर्ट भिजवाई, जिसके लिए परिजन तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन अंततः गतवा वो शाम को तैयार हुए, फिर MLC पर भिजवाई और साथ पोस्टमार्टम चल रहा है, तो उसमें एक सही रिपोर्ट आ पाया कि उसके डेथ कॉज ऑफ डेथ क्या है। इस मामले को लेकर नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फैकल्टी PRO रवि भगत ने कहा कि ये जो भी आरोप लगा है, इसके जांच के हमने पेशकश की है, हमने टिकरापारा थाना में सूचना दी है, पोस्टमार्टम चल रहा है, आखिरकार मौत कैसे हुई ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। वैसे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मामले की जाँच के आदेश जारी कर दिए। एशियन न्यूज के लिए महेश कुमार साहू की रिपोर्ट। तो मृतका के परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही यहां पर भारी पड़ गई। गंभीर आरोप यहां पर नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फैकल्टी पर, प्रशासन पर लगाए गए हैं।